हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू। तो टुडे आई कम विथ योर सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। द चैप्टर फर्स्ट इज, एज यू नो, चैप्टर फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट। तो ए बी क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सी और डी सॉल्व करेंगे। सी में है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। खाली स्थान को भरना है। देखो, सब में, सारे क्वेश्चन में खाली स्थान है, इसको भरना है विथ सुटेबल वर्ड। वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, वुडी, ट्री, श्रब्स, पंपकिन, क्लिम्बर। इसी में से चुन चुन के जो यहाँ पे सही होगा उसको फिल कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। वन में है डैश, नीड ए सपोर्ट टू क्लाइंब। क्या चीज है जिसको मदद की जरूरत होती है चढ़ने के लिए? तो हम लोगों ने पढ़ा था क्लिम्बर। क्लिम्बर नीड ए सपोर्ट टू क्लाइंब। जो क्लिम्बर होते हैं उनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट में हो गया क्लिम्बर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीज हैव ए स्टेम। ट्रीज हैव ए स्टेम, पेड़ों के पास होते हैं तना। कैसा तना होता है? तो पेड़ के तने जो हैं वो उडी होते हैं। तो द ट्रीज हैव ए उडी स्टेम्स, पेड़ के लकड़ीदार तना होता है। थर्ड में है डैश इज ए क्रीपर। इसमें से पांचों ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है जो क्रीपर है? क्रीपर समझाए थे खिसकने वाला पौधा। ठीक है, तो उडी तो हो गया, इसमें ट्रीज इसमें नहीं होगा, श्रब्स भी इसमें नहीं होगा, पंपकिन जो है वो क्रीपर है। थर्ड में लिखेंगे हम पंपकिन प्लांट जो है वो क्रीपर होता है। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर, जस्मिन क्या है? तो जस्मिन हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे श्रब्स। श्रब का एग्जाम्पल जो है जस्मिन होता है। तो फोर्थ नंबर में हम श्रब्स फिट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फाइव नंबर बच गया, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड। बहुत बड़े पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ट्रीज कहलाते हैं, इसमें ट्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पांचों आपका फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करेंगे, जो है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए और कॉलम बी है, जिसमें जो सही होगा उसको हम लोग मैच करेंगे। फर्स्ट में है बीटर गार्ड। तो बीटर गार्ड जो होता है, ये बीटर गार्ड, इसमें से सब होगा कि ट्री होगा कि हर्ब होगा कि क्लिम्बर होगा कि क्रीपर होगा। तो बीटर गार्ड जो है वो क्लिम्बर होता है। वन का डी। सेकेंड में है वाटर मेलन। तो वाटर मेलन जो है वो जमीन पे क्या होता है, क्रीप करता है, सरकता है। तो ये जो है टू का ई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब थर्ड है कैरेट जो है ये थ्री का सी हो जाएगा, हर्ब। कैरेट जो है वो हर्ब होता है। रोज हम लोग पढ़े थे, रोज जो है वो श्रब का एग्जाम्पल है। रोज जो है वो श्रब होता है। ठीक है बच्चों, फोर का ए हो जाएगा। और फाइव नंबर मैंगो है, ये मैंगो ट्री है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने आज सोल्व कर लिया फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग। इसको सोल्व कर लिया, वन का डी हो गया, टू का ई हो गया, थ्री का सी हुआ, फोर का ए हुआ और फाइव का बी। बच्चों इसको नोटबुक में अपने नोट कर लीजिएगा और याद कर दीजिएगा, ताकि आपको FA1 एग्जाम में
आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।